दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और एक वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे जी को मैं देख रहे हैं, हम अपने परिवार के साथ दोबारा सफ़र करने का मौका मिला है, घूमने का मौका मिला है। तो आगे का वीडियो दिखाता हूँ आपको, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। तो हम लोग अभी कैलाश गुफा पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं अपना परिवार, ये देखिए कैलाश गुफा का रास्ता, देखिए बहुत ही अच्छा रास्ता है, ये देख सकते हैं यहाँ की वादियाँ बहुत ही हरा भरा और दृश्य भी बहुत अच्छा है। ये देखिए इधर हमारे बजरंगबली बैठे हुए हैं, अभी तो भीड़ भाड़ नहीं है, सावन के मौसम में बहुत भीड़ भाड़ होती है यहाँ, देख सकते हैं नजारा यहाँ का बहुत अच्छा है। अपने परिवार इधर से आते हुए देखिए, अपना पूरा फैमिली क्या मिल गया। क्या कर रहे हो बेटे? क्या क्या कूद रहे? भाग 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 उधर से। यहाँ बड़ा वाला है ना, आप सभी को कैलाश गुफा में स्वागत है। ये देख सकते हैं कैलाश गुफा का झरना बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ऊपर से पानी आता हुआ और नीचे गिर रहा पानी, और यहाँ का वादियाँ बहुत ही सुंदर, ये देखिए कैलाश गुफा मंदिर घुसने का रास्ता, ये देखिए आप लोग बहुत ही अच्छा है। यहाँ का नजारा देखिए, जो ऊपर में बना हुआ है पूरा पत्थर का है, और इधर अपना नीचे में टाइगर, पत्थर को बहुत ही अच्छा बनाया गया है, देख सकते हैं पत्थर को यहाँ पर काट के बनाया गया है। पानी ऊपर से गिर रहा है, दरवाजा यहाँ मंदिर में यहाँ लाइन लगा गया है शायद पूजा करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं सावन को शायद यहाँ पर बहुत सारे आए हुए थे, लाइन लगाया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर पूजा किया जाता है, शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर, और आगे देख सकते हैं संकट मोचन हनुमान जी हैं।
यहाँ मन्नत मांगा जाता है, जो भी यहाँ पर आके मन्नत मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बंदर देख सकते हैं इधर बहुत सारे लाइन से बैठे हुए। देखिए बहुत बड़ा घंटा बनाया गया है। इधर शंकर जी इधर नंदी बैल बरगद का पेड़ इधर आम का पेड़ मंकी लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।